केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब लोकसभा के चुनाव में खेला होगा, विधायकों को बंद करने वालों में इस वक्त डर है, ये पशुपति पारस ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि खेला हो गया है, अब कोई खेल नहीं होगा। और क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं एक बार। यदि खेला होने की बात कर रही है तो अब कौन सी खेला होगा? अरे खेला आप लोग शुरू किए, खत्म हम करें। अरे भाई खेला तो हो गया, अब मेला है नोट खेला है, अब कोई खेला नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तभी अपने MLA को रात से बंद करके रखा है उन्होंने, इसे उनको ना डर है जी। जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। अब वही कह रहे हैं खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं, अब खेला होगा अप्रैल मई में जब लोकसभा का चुनाव होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आप पशुपति पारस को सुन रहे थे। सीधे तौर पर NDA में इस वक्त आत्मविश्वास है, आश्वस्त हैं तमाम नेता कि खेला जो होना था वो हो गया राज्य में, अब तो बारी लोकसभा चुनाव की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। देखिए जो NDA के पक्ष में जो अभी तक आंकड़े हैं वो आंकड़े साफ तौर पर ये कहते हैं कि उनके पास 128 विधायकों की संख्या है। दूसरी तरफ यह है कि जो महागठबंधन के दल हैं उनके पास जो आंकड़े हैं वो 114 से 115 है। अगर नीलम देवी उनके साथ नहीं आती हैं तो उनकी संख्या 114 होगी। नीलम देवी अगर विधानसभा में साथ जाती हैं तो उनकी संख्या 115 से होगी। ऐसे में जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो किसी न किसी तरह NDA के कुछ विधायकों को विधानसभा में अनुपस्थित करा करके वो जो सत्ता पक्ष के तरफ से विश्वास मत रखा जाएगा उसको वो हरा दें, तो ऐसे के लिए ही उन्होंने यूसुफ जैसे यंग लड़के के से जो विधायक है उससे वो गिटार बजवा रहे हैं। आज दोपहर में क्रिकेट खेलेंगे विधायकों के साथ। यानी रणनीति यह है कि तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं उनको इंटरटेन करके कल सुबह तक उनको रोका जाए, कोई उनसे भागे नहीं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण प्रशांत बताया जा रहा है। कल पे सभी की निगाहें रहने वाली है कि बिहार में आखिर कल क्या होगा, लेकिन आज भी सियासी घमासान और प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। Z News.